नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नजीबाबाद के ग्राम गाजीपुर कुतुब के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव पर विकास कार्यों में धांधली कर पैसे को वारे न्यारे करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कार्यों की जांच कराई जाए तो सच्चाई सबके सामने होगी। गांव में विकास के नाम पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। शिकायत के बाद भी अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। गाजीपुर कुतुब ग्राम गाजीपुर, ये रास्ता प्राइमरी स्कूल का अभी तक नहीं हुआ है, इसमें कीचड़ रहता है और बच्चे पानी में निकल कर बरसात में पानी में जाते हैं और हमारे गांव में कोई कार्य हुआ ही नहीं। तो क्या ग्राम प्रधान ने आपकी ग्राम प्रधान ने हमारे गांव में कोई कार्य कराया ही नहीं? हमारे प्राथमिक विद्यालय सेकंड कन्या पाठशाला के नाम से स्थित है, जिसमें मैंने भी उसमें देखा, पीछे बरसात में जो एक दीवार गिर गई थी पश्चिम की ओर की, और उस दीवार में ईंट तो वही थी और बाकी अपना सीमेंट और सामग्री लगाएगी। उसका पता चला कि उसकी लागत जो है उसमें 90,000 रुपये जो प्रधान जी के द्वारा और पंचायत इकट्ठे के द्वारा बताया गया, और उसके साथ साथ ही जो बेंच बच्चों के बैठने के लिए आई हैं वो बेंच भी बहुत हल्की हैं, जिनकी कीमत जो है दूसरे विद्यालय की अपेक्षा जो बहुत कम है, और उनके वाउचर भी जो है काफ़ी ऊँचे रेट के लगे हुए हैं। हमने इस बारे में ग्राम प्रधान को भी बताया, सूचित करा, तो वे कहने लगे कि ये पंचायत सेक्रेटरी जो हैं ये इन्होंने बना रखा काबिल, तो माँ भाई मालिक तो आप हैं, तो ये थोड़ा वैसे ही आपको बिल बना के दे देगा और उतने पैसे निकाल देंगे। इस तरह से और भी दूसरे विद्यालय में वो पर्याप्त सुविधा नहीं है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, बाथरूम वगैरह लैट्रिन जो उनमें भी सफाई वगैरह या सही से गेट नहीं है जैसा कि देखने में आ रहा, और सफाई व्यवस्था की पूरी उचित व्यवस्था नहीं है जो कि आजकल विद्यालय में होनी चाहिए। आपका नाम जी? मेरा नाम सतीश है। साहब मैं बारिश में बहुत परेशान हूँ, हमारे सारे कपड़े लत्ते भीग जाते हैं, हम भीगते हैं, एक्सीडेंट हो गया, मजदूर नहीं कर सकते, अपाहिज आदमी हूँ मैं, दो लड़की जवान छत्ती में बैठी भूखे पड़े रहते हैं, जब बारिश आती तो रोटी भी नहीं सकती हमारे पास, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं हम। तो क्या ग्राम प्रधान ने आपका मकान बनवाने की बात की कुछ? नहीं, हमारे कोई मकान बनवाने की कोई बात नहीं करी। और